को प्रणाम करता हूं, आपकी समस्त उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। चार पंक्ति गुरु जी के चरणों में मैं भी रख देता हूं, समय बहुत कम है, बहुत समय का सदुपयोग करते ही काव्य पाठ करूंगा। कि देकर पवित्र ज्ञान किया दंभ का दमन। चौथी पंक्ति में आप भी बताइएगा, हाथ दोनों उसने चाहिए और ताल ठोकने वाले अंदाज में, अभी नहीं। कि देकर पवित्र ज्ञान किया दंभ का दमन, मनुजों के हेतु भूमि किया आपने चमन। हे संत शिरोमणि सृष्टि के उजाले, हे संत शिरोमणि सृष्टि के उजाले, गुरु श्रेष्ठ रविदास जी को कोटि सनम। गुरु श्रेष्ठ रविदास जी को कोटि सनम। और नमन उन वीर जवानों को, उन क्रांतिकारियों का जिन्होंने हमें स्वतंत्र भारत दिया। क्या बात है। कल चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस था, आप सबको पता भी होगा। चार पंक्तियां उन क्रांतिकारियों के चरणों में रखता हूं जिन्होंने राष्ट्र रक्षा यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। गाना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। चार पंक्तियों से बात शुरू करता हूं। किच्चे नदी रवीरों ने स्वतंत्रता दिलाई हमें, जिन धीर वीरों ने स्वतंत्रता दिलाई हमें, उनका बखाने आठोया म करते हैं हम। ओज पूर्ण कविता बना के वीर रस घोल, जिसका प्रचार ग्राम ग्राम करते हैं हम। देश हित जिन ललनाओं ने सुहाग दिए, यहां माताएं विराजमान हैं। देश हित जिन ललनाओं ने सुहाग दिए, नित्य अभिराम गुणगान करते हैं हम। गांधी जी सुभाष चंद्र शेखर भगत सिंह, सकल शहीदों को प्रणाम करते हैं हम। सकल शहीदों को प्रणाम करते हैं हम। अब क्यों प्रणाम करते हैं, क्या प्रणाम में थे? ये भी किसी के बेटे थे, किसी के पिता, किसी के पति बन सकते थे। लेकिन देखिएगा, शब्द चित्र खींचता हूं। कि माता का दुलार ग्राम वासियों का छोड़ प्यार, गेड़िया गुलामी वाली काटने को ठाना था। माता का दुलार ग्राम वासियों का छोड़ प्यार, बेड़िया गुलामी वाली काटने को ठाना था। हौसले किए बुलंद वीरता के गाके छंद, लक्ष्य एकमात्र मां की अस्मिता बचाना था। रणभेरी तान छेड़े दुष्ट याता ताइयों को, रणभेरी तान छेड़े दुष्ट याता ताइयों को, देश छोड़ भागने पे विवश कराना था। और शत्रुओं को अस्त व्यस्त पस्त कर देने वाले क्रांतिकारियों का नाम दुनिया ने जाना था। क्रांतिकारियों का नाम दुनिया ने जाना था। क्या हम उन्हीं के वंशज हैं? एक प्रश्न भी है। जब देश आजाद हुआ, भारत का मानचित्र कुछ ऐसा बना होगा। संक्षिप्त में बताता हूं कि जाय श्री रहीम रस खान का है वृंदावन। जाय श्री रहीम रस खान का है वृंदावन, झांसी वाली रानी के तुणीर वाला देश है। जाय श्री रहीम रस खान का है वृंदावन, झांसी वाली रानी के तुणीर वाला देश है। मीरा सुर तुलसी मीरा रो मैथिली प्रसाद, रविदास नानक कबीर वाला देश है। मीरा सुर तुलसी निराला मैथिली प्रसाद, रविदास नानक कबीर वाला देश है। रविदास नानक कबीर वाला देश है। नल दमयंति हरिश्चंद मौर ध्वज वाला, राजे की प्रतिज्ञाबद्ध हीर वाला देश है। और रावण सबलशाली लांघ जिसको न सका, ऐसा यह मंत्र की लकीर वाला देश है। ऐसा यह मंत्र की लकीर वाला देश है। लेकिन है था में बदला, समय बहुत कम है। बहुत लोग कहते हैं कि यार चिखने चिल्लाने की बात बहुत करते हो, कुछ प्रेम की बातें करो। मैं कह मैं प्रेम की ही तो बात कर रहा हूं, राष्ट्र प्रेम की ही बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि कैसे रख दू कलम हाथ से, कैसे रख दू कलम हाथ से बताओ, जब लिखने को सारी ही कहानी अभी बाकी है। कैसे रख दूं कलम हाथ से बताओ, जब लिखने को सारी ही कहानी अभी बाकी है। प्रेम ग्रंथ लिखने को आता नहीं रास मुझे, अखियों में वीरता का पानी अभी बाकी है। बाकी है अभी रगों में रक्त की जुबानी, और
बाकी है अभी रगों में रक्त की रुबानी और एक कुर्बानी बाकी है जवानी अभी बाकी है। कैसे रख दूं मैं शस्त्र हस्त से बताओ जब लड़ने को सारी जिंदगानी अभी बाकी है, लड़ने को सारी जिंदगानी अभी बाकी है। तो जुल्फों की डोरियां लुभाएंगी अगर हमें तो तोड़ भी बताता हूं, जुल्फों की डोरियां लुभाएंगी अगर हमें तो रूप में पीरों के मोती काम लिख दूंगा मैं, गोकुल का भोर वृंदावन चित चोर लिखूं अवध की प्यारी प्यारी शाम लिख दूंगा मैं। किंतु मां क्या चल पे भैरी जब उठाए हाथ, अगर समर्थन करना होगा तो पूरा कीजिएगा। किंतु मां क्या चल पे भैरी जब उठाए हाथ, हाथ काटने वाला संग्राम लिख दूंगा मैं। अब कविता क्या चीज है मां तेरे स्वाभिमान है तो जिंदगी भी आपके ही नाम लिख दूंगा मैं, जिंदगी भी आपके ही नाम लिख दूंगा मैं। और अंतिम चार पंक्तियां, वेद ग्रंथ गीता लिखूं ऋचाएं पुनीता लिखूं, वेद ग्रंथ गीता लिखूं ऋचाएं पुनीता लिखूं, रामायण लिखूंगा कुरान लिख दूंगा मैं, वेद ग्रंथ गीता लिखूं ऋचाएं पुनीता लिखूं, रामायण लिखूंगा कुरान लिख दूंगा मैं, गांधी जैसे धीर लिखूं बोस जैसे वीर लिखूं, वीर नारियों का स्वाभिमान लिख दूंगा मैं। मीरा लिखूं सुर लिखूं तुलसी कबीर लिखूं, मीरा लिखूं सुर लिखूं तुलसी कबीर लिखूं, जायसी लिखूंगा रस खान लिख दूंगा मैं। और लिखने की बारी यदि आएगी कलम से तो सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दूंगा मैं, सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दूंगा मैं। जय हिंद, वंदे मातरम।